आज हम बनाएंगे पके हुए कटहल के कहुए के सूप पर क्रिस्पी और क्रंची भुंजिया। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ वंदना और स्वागत है आपका अपना चैनल वंदनास किचन एंड गार्डन में। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पके हुए कटहल के कहुए का भुजिया। ये खाने में काफ़ी ज़्यादा चटपटा और मज़ेदार बनता है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मेरे वीडियो तो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। पके हुए कटहल का भुजिया बनाने के लिए हम सबसे पहले कटहल को बीच से कट कर लेंगे। कटहल को काटने से पहले हथेली और चाकू में अच्छे से तेल लगा लेना है, जिससे कि हाथ में और चाकू में गोंद चिपके ना। अब हमें इसका टाइट वाले कहुए को निकाल लेना है और इस तरह से हल्का पतला और लंबे शेप में कट कर लेना है। इसी तरह से हमें जितना कहुआ चाहिए उतना हम निकाल लेंगे। हमें पूरा टाइट वाला कहुआ ही लेना है, जिससे कि इसका भुजिया काफी क्रिस्पी बने। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। हमने इतना सारा पके हुए कटहल का कहुआ को निकाल लिया है और इस तरह से टाइट वाला कहुआ ही लेना है, जिससे कि भुजिया बहुत ही अच्छी तरह से बन पाएगी। अब एक पैन लेते हैं और इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 चम्मच राइस ब्रान ऑयल। राइस ब्रान ऑयल की जगह आप कोई भी कुकिंग ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड कर दिए हैं 1/2 छोटी चम्मच राई और राई को चटकने देते हैं। राई हमारा चटकने लगा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 हरी मिर्च। हरी मिर्च को हमने बीच से कट कर लिया है। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 2 खड़े वाले लाल मिर्च। मिर्च हमारा फ्राई हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कटे हुए कटहल के कहुए को। कटहल के कहुए को हमने काटने के बाद साफ पानी में अच्छे से धो लिया है। अब हम कटहल के कहुए को चलाते हुए तेल में अच्छे से मिला लेते हैं। इस तरह से कटहल के कहुए को फ्राई करने से ये खाने में काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। आप चाहे तो इसे ज़्यादा तेल में डीप फ्राई भी कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 छोटी चम्मच नमक। नमक को भी हम कटहल के कहुए में अच्छे से मिला देंगे। अब कटहल के कहुए को हम पैन में चारों तरफ अच्छे से फैला देते हैं। अब इसे मीडियम फ्लेम में सिर्फ 2 मिनट के लिए ढक के पका लेंगे। 2 मिनट हो गया है, अब ढक्कन को हटा के इसे अच्छे से चला लेते हैं। कटहल का कहुआ हमारा बहुत ही जल्दी पक जाता है। अब इसे चेक कर लेते हैं। कटहल का कहुआ हमारा पक गया है। अब इसे बिना ढके हमें बीच बीच में चलाते हुए अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। कटहल के कहुए को हमें हर 2 से 3 मिनट में उलट पलट करते हुए चलाते रहना है, जिससे कि ये दोनों साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा। इसी तरह से हमें कटहल के कहुए को उलट पलट करके पूरा गोल्डन कलर होने तक फ्राई कर लेना है। इस तरह से कटहल के कहुए को फ्राई करके आप ऐसे ही खा सकते हैं या फिर चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसे एक बार खाने के बाद आप इसका स्वाद भूल नहीं पाएंगे। कटहल के कहुए को हमने दोनों साइड से गोल्डन कलर होने तक फ्राई कर लिया है। ये अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। आप इसका आवाज़ से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा क्रंची बना है। आप इस भुंजिया को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही मज़ेदार और चटपटा लगता है। सारे कहुए को हम निकाल लेते हैं।
आपको हमारा आज की रेसिपी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।